सो गाइस, बेसिकली एक और मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे फायरबोल्ट की जो कौन सी वॉच है, रॉक, ठीक है। इसको मैंने एक और ऑर्डर किया है एक्चुअली, मतलब वन मोर यूनिट। तो आज हम इसको कंपेयर करने वाले हैं एक्चुअल सैमसंग की वॉच से। यस, एक्यूरेसी चेक करेंगे यहाँ पे। मैंने सैमसंग की वॉच पहन रखी है और देखेंगे क्या इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी मिलती है कि नहीं मिलती है आपको। और सैमसंग की वॉच से क्या हम कंपेयर करें, आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना वैसे, ठीक है। मैंने एक और यूनिट इसीलिए मंगाया क्योंकि इसका जो वेरियंट था बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक सेल कर दिया, एक और यूनिट मैंने मंगा लिया, ठीक है। इसको ये मेरे को पड़ी है 2800 रुपये की, मतलब 2799 में। 2799 में वैल्यू फॉर मनी वॉच बन जाती है क्योंकि गूगल पिक्सल वॉच की कॉपी है एक्जैक्टली ये वॉच, और बहुत सारे फीचर मिलते हैं। मैं इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू कर चुका हूँ, बट सेकेंड यूनिट में हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या और भी चीज़ें, मतलब कुछ डिफरेंट मिलती हैं इसमें या मतलब सिमिलर ही मिलती है पहले वाली वॉच की तरह, तो भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। वैसे आप चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। तो चलिए गाइस इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से, ओके गाइस, यहाँ पे ऑन कर, मतलब बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स खोलते ही नीचे गिर जाएगा वॉच, इसलिए हम इसको ऐसे कर देंगे, ये रहा, ठीक है। तो गाइज वॉच यहाँ पे वही मतलब मिलती है इस तरीके से। प्लास्टिक बैग मिलता है और ये आपको स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है और यहाँ पे दो क्लैप्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन बॉक्स कंटेंट की, तो वही मतलब आपको पेपर वर्क और साथ में एक वो मिल जाएगा क्लैप अटैच करने के लिए, तो वो भी है। इसको रखते हैं साइड में यहाँ पे, ये रहा। ये जो क्लैप्स हैं एक्स्ट्रा दो भी दिए गए हैं, जैसे कि दो खो जाते हैं तो आप दो इसमें से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये रहा चार्जिंग केबल, ठीक है। इसका वैसे 4 पिन वाला चार्जिंग केबल मिलता है, बट यहाँ पे इंटेल मेमोरी या बड्स को पे करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। मैंने फोन लैपटॉप से कनेक्ट करके भी देखा है, तो एज सच कोई ऑप्शन नहीं आता है इसमें, ठीक है, जब आप इसको करोगे। तो इसको रखते हैं साइड में और वॉच पे आते हैं डायरेक्टली। तो वॉच पे आने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे लुक और फील तो प्रीमियम है इस वॉच का। रोटेटेबल क्राउन मिलता है आपको और यहाँ पे स्ट्रैप्स का साइज़ पूछ रहे थे लोग मेरे से। तो गाइज स्ट्रैप का साइज़ मेरे को खुद नहीं पता है यहाँ पे कितना है कितना नहीं यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ने ये रिवील नहीं किया है कि मतलब कौन सा कितने एम का स्ट्रैप लगेगा इसमें, क्योंकि आफ्टर मार्केट का आप चूज़ कर सकते हो, आपको मिल जाएगा और आप ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ से वो निकाल लेते हैं इसमें से पिन्स, दो उन्हीं दो पिन से ही अटैच होगी बेसिकली। यहाँ पे कोई सी भी आप पिन निकाल लो, दोनों ही यहाँ पे हो जाएंगी। और एक एक्स्ट्रा दी गई है, जैसे कि आपको अगर एक हो जाती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब 2700 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में भी, मतलब 2800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में भी वैल्यू फॉर मनी है। अगर किसी को बाय करना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं सेल करना चाहता हूँ वैसे। यहाँ पे इसको हम अटैच कर लेते हैं इधर की साइड से, ठीक है। देखो ये अटैच हो गया, यहाँ पे फॉर्मली आपको प्रेस कर देना और ये अटैच हो जाएगा। और वैसे ही आपको इस वाले स्ट्रैप को भी वो कर देना है। यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये उसी उसके हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो गई, ये देखो ये उल्टा हो गया, जैसे कि यहाँ पे फिट ही नहीं होता है, और अगर ऐसे लगाओगे तभी फिट होगा ये। ओके, ये निकल गया एक्चुअली, तो इसको पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा पहले। ये देखो यहाँ से निकल गया है और अब आपको लगाना है इसको, ठीक है, देन ओनली ही ये फिट होगा, ठीक है। अब ये नहीं निकलेगा, फिट हो चुका है एकदम। तो गाइस परफेक्टली फिट है। और यहाँ पे फर्स्ट ग्लैंस लेते हैं इस वॉच का, ठीक है। मैं सारी चीज़ें करके नहीं दिखाऊंगा आपको इस वॉच में, मतलब अनबॉक्स तो मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब इसमें सारे के सारे मेन्यूज़ को चेक करा रहा हूँ, वो सब चीज़ें नहीं कराने वाला मैं। यहाँ पे डायरेक्टली पेयर करके हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, ठीक है, सैमसंग की वॉच से। सो गाइस फाइनली ये पेयर हो चुकी है और यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है। और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स मैंने फुल कर रखे हैं फिलहाल, ठीक है। सैमसंग की वॉच की अगर मैं ब्राइटनेस लेवल्स की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है वॉच। और यहाँ पे इवन अभी एकदम कम पे है ब्राइटनेस लेवल्स, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है वॉच, तो गाइस ओवरऑल ब्राइटनेस के मामले में सैमसंग का को कोई मुकाबला नहीं। ऑब्वियसली बात है, सैमसंग मतलब बड़े बड़े जो और भी मतलब
मतलब बहुत सारे ब्रांड्स को, सैमसंग तो बड़ा ब्रांड है ही, बहुत सारे ब्रांड्स की डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर करती है, तो सैमसंग का जवाब नहीं यहाँ पे। बट गाइस यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करेंगे हम, उसको छोड़ो साइड में। तो यहाँ पे वैसे मैं सबसे पहले चेक कराया तो आपको डेडिकेटेड सेंसर है कि नहीं, क्योंकि सैमसंग में तो आपको एक ही ग्रीन वाला एक सेंसर मिलता है, बट उसके बावजूद भी वहाँ पर ग्रीन एक्शन का सेंसर भी आपका SPU2 रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। ECG मोटर भी मिलता है, बट वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है सैमसंग की वॉच में, आप वो उसको मैनुअली कर सकते हो थ्रू कुछ एप्लीकेशन का सेटअप करके। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये चेक नहीं करेंगे फिलहाल हम, यहाँ पे हम वॉकिंग वाला चेक करेंगे सबसे पहले, है ना, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड कहाँ गया, क्योंकि इसमें गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन तो मिलता नहीं है, स्पोर्ट्स मोड जैसे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सैमसंग की वॉच में बात मैं करूँ तो यहाँ पे वॉकिंग, और इसमें भी कर लेते हैं 50 स्टेप चल के देखेंगे दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे स्टेप्स तो 0 दिखा रहा है अभी, अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, दोनों को पहन लेता हूँ। सो गाइज मैंने 55 स्टेप्स चले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 55 ही दिखा रहा है, और यहाँ पे सैमसंग की वॉच में आप देख सकते हो मतलब कितना दिखा रहा है, 36 ऑटो पॉज हो चुका है, ये देख सकते हो। तो आई डोंट नो यहाँ पे सैमसंग की वॉच पीछे है इससे, तो ऐसा लग रहा है। चलिए इसको एंड करते हैं, ठीक है। अब गाइज एक्यूरेसी किसकी चेक करनी है हमको, यहाँ पे हार्ट रेट SPU2 चेक करते हैं, ठीक है, हार्ट रेट ईरा इसमें चेक करते हैं। सो गाइस हार्ट रेट मेजर करते हैं यहाँ पे, और दिखा रहा है उसमें 84 दिखा रहा है। तो गैज कह सकते हो आप फायरबोल्ट की जो ये वाली वॉच है रॉक अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, बेकार नहीं, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, सैमसंग की वॉच को मैच कर जा रही है वैसे ही, ठीक है। तो गैज वैसे वॉच तो मेरे को ठीक लगी फिर तो, उस हिसाब से मतलब एक्यूरेसी के मामले में ठीक काम कर रही है फायरबोल्ट की जो रॉक वॉच है, डेफिनेटली आप उसको कंसिडर कर सकते हो। और 2799 भी ये वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, फ्लिपकार्ट अवेलेबल, जाके ग्रैब कर लो। ये वाले कलर लेना, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है इसका, और स्टेनलेस स्टील का डायल तो मिल जाता है। तो गाइज़ ये थे सिंपल सा री अनबॉक्सिंग, आपका क्वेरी और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।